हरियाणा के महेंद्रगढ़ के कनीना में स्कूल बस के हादसे में प्रतिक्रिया देते हुए जननायक जनता पार्टी के प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला ने अफसोस जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि जननायक जनता पार्टी का पूरा परिवार पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करता है। इस हादसे में मरने वाले बच्चों को परमात्मा अपने चरणों में स्थान दे। इसके साथ ही घायलों का उपचार हरियाणा सरकार जल्द से जल्द करवाए। दिग्विजय सिंह चौटाला ने इस मामले की सरकार उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि आज ईद की छुट्टी होने के बावजूद स्कूल कैसे खुला था, इसकी जांच होनी चाहिए और कार्रवाई भी सरकार को करनी चाहिए। मुझे सबसे पहले बात की जाए तो लोकसभा चुनाव का जो है चुनावी संग्राम शुरू हो चुका है, जेजेपी की क्या तैयारियां चल रही है? जेजेपी की आज मीटिंग है चंडीगढ़ के अंदर और उसमें पार्टी कुछ सीटों पर आज चर्चा करेगी। अगले एक दो दिन के अंदर पहली लिस्ट आना जो है उसकी उम्मीद है और जल्द हमारी लिस्ट आएगी और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज कार्यक्रम बनेंगे। पार्टी के नेता फील्ड में जा करके, वैसे तो फील्ड में ऑलरेडी जा ही रहे हैं मगर और अच्छी तरह फिर नाम अनाउंस होने के बाद, क्योंकि चुनाव चल पड़ता है और चुनाव की शुरुआत हो जाएगी, लगभग एक सवा महीना बचा है, हम पूरी तरह तैयार हैं। जेजेपी की फौज का एक एक कार्यकर्ता चौधरी देवीलाल जी की दिखाए रास्ते की शपथ लेकर के विजय श्री हासिल करना, अपने लोगों को हरियाणा की सोच के लोगों को दिल्ली की पार्लियामेंट में भेजने के लिए संकल्पबद्ध है। कितनी सीटों पर जेजेपी चुनाव लड़ेगी? सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हो सकता है कि चंडीगढ़ की सीट पर भी हम चुनाव लड़ें तो 11 सीटों पर चुनाव होंगे। दिग्विजय, जिस तरह से पार्टी के लोगों का जिस तरह से जा रहे हैं, विरोध हो रहा है, कल आपका भी विरोध हुआ, क्या कहेंगे? मेरा विरोध जो किया वो 3-4 लोगों ने किया। 3-4 लोग जो थे वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से संबंधित लोग थे। अभय सिंह चौटाला के इशारे पर मेरे पर एक बड़ा हमला कराने का कोशिश थी, इनकी प्रयास था और वो संभव इसलिए नहीं हो पाया, सक्सेसफुल इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि गांव वालों ने उनका साथ नहीं दिया। वो कहने लगे कि हमारे गांव में मत आओ, तो गांव वाले अड़के ये बात बोलने लगे कि तुम कौन होते हो हमारे गाँव की पंचायत करने वाले। तो गाँव वालों ने बाद में उनका हाथ पकड़ करके गाँव से बाहर निकालने का काम किया। एक भी आदमी उस गाँव का नहीं था जिस गाँव के अंदर हम गए थे, ये बाहर से आए हुए लोग थे। और ये पिछली रात को अभय सिंह चौटाला की कोठी पर इन लोगों ने मीटिंग कर करके उन लोगों को लोभ लालच दे करके मेरा विरोध कराने का प्रयास किया। वो विफल हुए, बुरी तरह विफल हुए, वो एक्सपोज हो गए और आज वो इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं को टेलीफोन कर करके जान से मारने तक की धमकी दे रहे हैं। वो लोग हैं जिन पर डकैती तक के आरोप हैं, चिट्टा बेचने तक के आरोप हैं। जिस तरह के कार्यकर्ता इंडियन नेशनल लोकदल में बचे हुए हैं उसी कल्चर के वो लोग हैं और वो जल्द, बहुत जल्द जो है उन पर सब पर कार्रवाई होगी। जिन लोगों ने भी हमारे कार्यकर्ताओं को कोई भी धमकी दी है वो सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन जो है अब वो पुलिस को करनी पड़ेगी और उन सब लोगों पर सख्त कार्रवाई होगी जो लोग हमारे लोगों को टेलीफोनिकली फ़ोन कर करके कल की घटना के बाद आज धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, कल की फ्रस्ट्रेशन टेलीफोन्स पर निकाल रहे हैं। कोई शिकायत दर्ज करवाइए अपनी? कार्यकर्ता शिकायत दर्ज कराएंगे, मेरे को कराने की जरूरत ही नहीं। जिसको धमकी आएगी, अगर आपके टेलीफोन पर धमकी आएगी, जान से मारने की धमकी आएगी, आपके गांव में आकर के आपका हश्र करने की धमकी आएगी तो आप घर थोड़ी बैठे रहेंगे। किसको अपनी जान प्यारी नहीं? वो टेलीफोनिकली जो भी बातें सारी रिकॉर्डेड हैं वो सारी की सारी पुलिस के सामने हम रखेंगे और पुलिस को कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। कौन है ये टेलीफोन पर धमकी देने वाला? एक मसीता गांव का लड़का है जो जिस पर डकैती का आरोप मैं बता रहा हूँ रहा है, नशेड़ी है, इस पर बहुत सारे आरोप अन्य लगे हुए हैं। इसके साथ एक दो और लोग हैं जो डायरेक्ट इंडियन नेशनल लोकदल से जुड़े हुए हैं, ये आज टेलीफोनिकली सबको फ़ोन कर करके धमकाने का काम कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने लाखों लाखों रुपये जो है चंदे के तौर पर डवाली हल्के के किसानों से इकट्ठा किया। आज डवाली के किसान जब उसका हिसाब मांगते हैं तो ये भागते हैं और इस तरह के काम करते हैं, नापाक हरकतें करते हैं और अब इनका जो है इलाज पुलिस ही करेगी। मेरा विरोध करना तो जायज मैं मान सकता हूँ कि किसान का रूप लेकर के मेरा विरोध करना, किसान का झंडा आगे कर करके मेरा विरोध करना, किसी को टेलीफोन कर करके धमकाना और जान से मारने की धमकी देना, तो किसी ने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी। पुलिस कार्रवाई करे और मैं एसपी साहब से भी इस बात बारे में बात करूंगा और विरोध करो, सड़कों पे करो, आकर के तर्क वितर्क करो,
मगर कोई ये गलतफहमी पाल करके बैठा हो कि किसी के घर जाकर के किसी को आहत करने का प्रयास कोई करेगा, किसी पर हमला करने का कोई प्रयास करेगा, फिर हर तरीके से उन लोगों को भी तैयार रहना चाहिए। दीपक जी, पिछले दिनों कुछ जिस तरह से वीडियो वायरल हुई, मैडम नैना चौटाला ने कहा कि बीजेपी के साथ जाने थे हमारा कुछ नुकसान। मैंने क्या कहा, मैं उन घटनाओं पे उन घटनाओं से इस घटना को नहीं जोड़ रहा, मैं सिर्फ कल की घटना के बारे में आपको बता रहा हूँ। हो सकता है कहीं किसानों ने विरोध किसी का किया हो, नहीं किया हो, मुझे नहीं पता है। कल की जो घटना है वो इंडियन नेशनल लोकदल स्पॉन्सर्ड प्रायोजित घटना थी। अभय सिंह चौटाला द्वारा और उनके कार्यकर्ताओं द्वारा मेरे पर हमला कराने का एक प्रयास था, जिसमें वो बुरी तरह विफल रहे। ये वो लोग वहाँ पहुँच करके वो काम नहीं कर पाए जो वो करना चाहते थे, क्योंकि गाँव वालों ने उनका साथ नहीं दिया। और उसके बाद आज गीदड़ भभकी कर रहे हैं, टेलीफोन कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को डरा रहे हैं कि तुम्हारे गाँव में आकर के तुम्हें मारेंगे, गोली मारेंगे, जान से मारेंगे। अब मैंने SP साहब से बात की है, रिटर्न कंप्लेंट जल्द दर्ज होगी और ऐसे लोगों पर उनकी धरपकड़ हो, उन पर कार्रवाई हो। कनीना के अंदर एक निजी बस स्कूल की दुर्घटनाग्रस्त हो गई है और उसमें अनेकों हमारे बच्चों का जो है देहांत हो गया, जान गंवानी पड़ी। ये बहुत पीड़ादायक है और पूरा जननायक जनता पार्टी परिवार इस समय जो है अपनी संवेदनाएं, अपनी भावनाएं प्रकट करता है उन परिवारों के लिए जिन्होंने प्यारे प्यारे बच्चों को खो दिया या जिनके परिवारजन बच्चे जो हैं वो घायल हैं, जो चले गए परमात्मा उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। और जो बच्चे जंग लड़ रहे हैं जीवन की, जल्द परमात्मा उन्हें स्वस्थ करे। इसके साथ साथ सरकार से मैं ये मांग करता हूँ कि इसकी उच्च स्तरीय जाँच हो। छुट्टी के दिन भी अगर स्कूल चलाया जा रहा था और ऐसी घटना हुई है, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है और जल्द से जल्द इसकी इंक्वायरी बिठाई और इस पर जाँच करें।